आज इस वीडियो में ऐसे फोन की टेस्टिंग करने वाले हैं जिसे आप बिना टच करे भी कंट्रोल कर सकते हो। अब आप पूछोगे ये कैसे हुआ? बता भाई। यही तो मुझे आता है। अगर आपको पतला पसंद है, लाइट वेट पसंद है और आप एक ऐसे फोन की तलाश हो जिसमें डिस्प्ले बढ़िया हो, कैमरा बढ़िया हो, एकदम प्रीमियम हो दिखने में, तो इस वीडियो को मिस मत करना। इस फोन का नाम है ओप्पो F21 Pro 5G। इसका एक बार लुक देखो। ये जो फ्रंट में डिस्प्ले है ये एक AMOLED डिस्प्ले है, 6.4 इंच वाला FHD प्लस डिस्प्ले है ये। इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी टेस्ट किया, ये देखो फास्ट है। ये एक स्मार्ट बैकलाइट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसमें ना पीछे कैमरे की साइड में डुअल ऑर्बिट लाइट्स है। इसका काम क्या है, जैसे कोई आपको मैसेज करता है, कॉल आता है, तो एकदम से ये ब्रीथिंग लाइट जल जाती है। ये देखो वाह क्या सीन है। तो इसके पीछे दो बड़े बड़े हैं कैमरे और एक छोटा सा कैमरा है। ये जो पहला कैमरा है ये 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिप है। 5G जी माने नहीं पता, जीनियस यार। अब दोबारा मत पूछना। ये जो चिप है ये एक 6nm वाला चिप है और इसमें हमने एंड्रॉइड रन किया। देखो जो स्कोर निकल गया है वो 370,000 प्लस। गेमिंग एक्सपीरियंस फोन में काफी अच्छा है, हैवी गेमिंग तो नहीं कहूंगा। डे टू डे लाइफ यूजेस में आई डोंट थिंक सो आपको कोई कमी आने वाली है। अगर आप रैम को बढ़ाना चाहते हो तो रैम एक्सपेंशन है जहां पर आपको ये 5GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब बैटरी बैकअप काफी अच्छा लगा मुझे। वैसे तो 4500mAh की बैटरी है, 33W का सुपरबुक चार्जर है। एक फीचर जो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप फोन के सेटिंग में जाते हो, एयर जेस्चर सर्च करते हो, वहां पर एयर जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, उनको ऑन कर सकते हो। बात देखो, आप फोन को यहाँ पर बिना टच करे कंट्रोल कर सकते हो, है ना, काफी कूल। ये बढ़िया था गुरु। ओके, फोन को जितना भी टेस्ट किया, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, देखो फोन इंटरेस्टिंग है। प्राइस 26,999 है। ओप्पो के फोन है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट देखो फोन मुझे बढ़िया लगा टेस्टिंग में। सिंपल में कहूँ तो ये फोन उन यूजर्स को टारगेट करने के लिए ओप्पो ने लॉन्च किया है जिनको परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा मतलब नहीं है, बट हाँ उनको डिस्प्ले बढ़िया चाहिए, फोन स्टाइलिश होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, एकदम प्रीमियम दिखने वाला। उनकी प्रायोरिटी कैमरा है, फोटोग्राफी करते हैं एंड सेल्फीज बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत सारे कैमरा फीचर्स चाहिए। सो उन लोगों के लिए ओप्पो ने इस फोन को लॉन्च किया है। और अगर आपकी ये सारी प्रायोरिटी है, डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। आपको कैसा लगा वैसे ये फोन, कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।